भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उनके स्वागत में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, संगठन के बड़े पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राठौड़ ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर बाइक रैली से पार्टी कार्यालय तक ले जाया गया, जहां पार्टी कार्यालय पर महिलाओं कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर नृत्य कर नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत धूमधाम से किया। उनके शपथ ग्रहण के बाद प्रदेश कार्यालय के बाहर ही बड़ा कार्यक्रम रखा गया। मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में सीएम भजन लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता ने कांग्रेस राज का विरोध किया, जनता के बीच संकल्प लेकर गए थे, आज उस एक एक संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं। आपने इस पार्टी को विचार और संस्कार से सींचने का काम किया। आपने देखा होगा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वर्गीय जगदीश प्रसाद जी माथुर, स्वर्गीय हरिशंकर जी भावड़ा, स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा, स्वर्गीय ललित चतुर्वेदी जी, ललित किशोर चतुर्वेदी जी, स्वर्गीय रामदास जी अग्रवाल, स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी कौशल साहब और हमारे महामहिम राज्यपाल सम्मानीय गुलाब जी कटारिया, हमारी आदरणीय सम्मानीय वसुंधरा राजे जी, महेश जी शर्मा और अभी अभी हमारे राज्यपाल बने ओम प्रकाश जी माथुर, अरुण जी चतुर्वेदी, अशोक जी परनामी, मदन लाल स्वर्गीय मदन लाल जी सैनी, सतीश जी पूनिया, सीपी जोशी जी और अब ये भागडोर 16वें अध्यक्ष के रूप में हमारे मदन राठौड़ जी संभाल रहे हैं। एक बार आपसे कहना चाहता हूँ, जोरदार तालियों के साथ पीछे से माननीय मदन जी राठौड़ साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। मित्रों, ये कड़ी चलती रहती है, कभी जिला अध्यक्ष के रूप में, कभी मंडल अध्यक्ष के रूप में, कभी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो कभी प्रदेश के और जिले के मंडल के पदाधिकारी के रूप में, कभी मोर्चों के पदाधिकारियों के रूप में, और यह बदलती है और यह बदलने का क्रम है। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, आज मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़े, सरकार की योजनाओं को हम नीचे तक पहुंचाएं। हम एक प्रदेश के नागरिक होने का भी कर्तव्य हमें निभाना है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारी वो पार्टी है जो हम समर्पण भाव से काम करने वाले लोग हैं, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम एक नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाएं। हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारी ढाणी में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसे आवश्यकता हो सरकार की योजनाओं की, जिसे आवश्यकता हो, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ दे करके हमें आगे लाना है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पद पर मदन राठौड़ के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे उनके दिल का दर्द छलक गया। समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि मदन राठौड़ सबको साथ लेकर चलेंगे। राजनीति के अंदर अब मैं कुछ ये भी, राजनीति के का दूसरा नाम जो है ना वो है उतार चढ़ाव। महाराज, हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, पर हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूरत है। महाराज, ये तीन चीज का बना होता है, पद, मद और कद। ये तीन चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थाई है नहीं, परंतु एक ही चीज है और वो है कद।
जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी सहजता का परिचय देते हुए कहा कि आज मुझसे चूक हो सकती है, मुझे माफ करना। उन्होंने बिना नाम लिए राज्य की बात पर जवाब देते हुए कहा कि मंच ने जो आदेश दिया है उसे पूरा करूंगा और कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच सेतु का काम करूंगा और वसुंधरा राजे के गुरु मंत्र को याद रखते हुए काम करूंगा। ये अपेक्षा भी की होगी कि अब जो व्यक्ति आएगा, वैसे तो पहले वालों ने भी बहुत अच्छे काम किए, बहुत बढ़िया काम किए, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उन सब से मैं सीख लूंगा, उन सब का पूरा उपयोग करूंगा, उन सब के भी साथ में बैठ करके और उनके राय लेकर के आप सबको सुन करके और ऊपर के सबके विश्वास को कायम करने का काम मैं निश्चित रूप से करूंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, हिम्मत करके मैंने कुछ शब्द आपके सामने बोले हैं। मैं ये मेरे सामने विराजमान है बहुत आदरणीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण, मुझे माफ़ करना, कुछ गलती हो गई है। हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता बहुत इधर भी खड़े हैं। मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि बहुत कठिन ही आई है आपको, यहाँ आने में आपको बहुत तकलीफ हुई मुझे पता है। रात को भी कई कार्यकर्ताओं के फोन आए कि दोनों टायर पंक्चर हो गए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर पहुँचे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, मेरा मार्गदर्शन करते रहे, मुझे ताकत देते रहे। मैं आपका ही हूँ, आपके बीच का हूँ, आपके साथ ही हूँ, अपने से अलग नहीं है। नेतृत्व वो कप्तान किसी सिपाही को जहाँ भी भेजता है वो सिपाही तो वहाँ जाकर के अपना दायित्व तो निर्वहन करता है। अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष में कोई भी फर्क नहीं है, हम सब एक हैं, एक मुखी हैं और एक मुखी रह करके और जन सेवा के लिए समर्पित है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत ने पार्टी को विश्व की बड़ी पार्टी बनाया है। ये कार्यकर्ता ही हैं जिसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अब तक सबका साथ दिया है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी से ऊपर किसी को नहीं मानते, यदि मन में कुछ खटक भी रहा हो तो उसे पी जाते हैं, पार्टी सर्वोपरि है। मित्रों, आज हम सब लोगों को खुशी है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, जिन्होंने प्रचारक जीवन में एक विचार को आगे बढ़ाने का काम किया और जिन्होंने आपातकाल में जेल काटी, जिनको विधानसभा में विधायक बनकर, जिनका एक लंबा अनुभव है और अभी राज्यसभा में माननीय सांसद के रूप में इस प्रदेश का अगुवाई कर रहे हैं, ऐसे मदन राठौड़ जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन भी करें और राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि एक लंबे अनुभव वाले व्यक्ति, जिन्होंने इस राजनीति में उस संक्रमण काल से लेकर, संकट के समय से लेकर आज जब भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, ऐसे में उस कार्यकर्ता को आज पार्टी के प्रदेश की कमान सौंपी है। मैं आदरणीय मदन जी भाई साहब को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी कार्यकर्ता मित्रों की ओर से आपको बधाई और शुभकामना देता हूं। शपथ ग्रहण से पहले मदन राठौड़ के सुपुत्र श्रीयतु राठौड़ ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि आज का दिन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पिता प्रदेश अध्यक्ष बनने से परिवार में भी खुशी का माहौल है। यह सबसे बड़ी पार्टी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है और पिताजी तो हमेशा ही पार्टी के लिए रहे, उन्होंने सामाजिक सेवा में अत्यंत काम किया है। मतलब फैमिली टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए ही वो काम करते रहे और अब उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो खुश है और वो इस जिम्मेदारी को पूर्ण तरह निभाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। घर में बहुत खुशी का माहौल था और इनफैक्ट मैंने अभी तक पिताजी को बधाई दे नहीं पाया, उनके फ़ोन बिजी आ रहे हैं लगातार। उसके
इसके अलावा भाजपा नेता अशोक सैनी ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मदन राठौड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने से केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर गर्व है। जिस प्रकार से एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी प्रकार से एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह का भाव है। पूरे राजस्थान से 40-50 हज़ार की संख्या में लोग आ रहे हैं और पार्टी ने मेरे सहित तमाम प्रमुख कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी है। कोई भोजन की व्यवस्था देख रहा है, कोई जलपान की व्यवस्था देख रहा है, कोई टेंट की व्यवस्था देख रहा है। ऐसे ही सुरक्षा का एक पार्ट है जो पार्टी ने मुझे दिया है। यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता सुरक्षा में उनको बिठाने की, उनको जलपान पहुँचाने की, इस तरीके की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन एक अपने आप में एक इतिहास रचेगा और एक संगठन को एक नई ताकत देने की दिशा में आज एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। और निश्चित रूप से ही मदन जी राठौड़ का जो लंबा अनुभव रहा है, 2 बार विधायक रहे हैं, 2-3 बार पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, कई जिलों के प्रभारी के नाते कई प्रदेशों में काम करने का अनुभव उनके पास है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का एक शानदार फैसला है और मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक नए आयाम स्थापित करेगा और एक ताकत के साथ और मजबूती से खड़ा होगा। वहीं भाजपा प्रवक्ता मदन प्रजापत ने भी अपने विचार मीडिया से साझा करते हुए कहा कि आने वाले उपचुनाव की कसौटी पर नए अध्यक्ष मदन राठौड़ खरे उतरेंगे और सभी सीटों पर मुख्यमंत्री भजन लाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में जीत दर्ज करेंगे। या अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी कब कौन सा मौका मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना परिवारवाद नहीं चलता है, ये कार्यकर्ताओं के लिए। और आज जिस तरीके से जनसैलाब कार्यकर्ताओं का उमड़ रहा है और अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का इस गुलाबी नगरी के अंदर स्वागत कर रहे हैं, वो स्वागत देखने लायक है। और ये जो सीपी जी का कार्यकाल रहा है, ये भी बहुत अच्छा रहा है। आने वाले मदन राठौड़ जी का कार्यकाल भी राजस्थान के इतिहास में नया अध्याय लिखेगा। देखिए, कसौटी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा जनता की कसौटी पे खड़ा उतर के ही यहाँ तक पहुँचता है। आपने कोरोना काल जैसा समय भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे था। हम पद की लालसा के विषय से काम नहीं करते। निश्चित रूप से माननीय मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर आने वाले उपचुनाव और पंचायती राज, नगर निकाय और नगर निगम के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। यहाँ सामूहिक जीत होती है और सामूहिक हार होती है, हर निर्णय सामूहिक होता है। इसलिए पर्टिकुलर अध्यक्ष जी या उसका नहीं, हाँ, नेतृत्व की क्षमता के ऊपर जरूर तय करता है। और भारतीय जनता पार्टी जिसमें क्षमता होती है उसी को बनाती है। मैं फिर कहूँगा, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए यहाँ कार्यकर्ता को सब कुछ मिलता है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मदन राठौड़ को नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन अब उपचुनाव उनके लिए एक बड़ी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि राजस्थान के 5 जिलों में जल्द ही उपचुनाव होंगे और यह उपचुनाव में जीत हासिल करना इनके लिए एक पहली परीक्षा होगी। अब देखना होगा कि मदन राठौड़ अपने परीक्षा में कितना कामयाब होते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता दरबार न्यूज़।